एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हॉल वीडियो। तो बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ कोई भी हॉल वीडियो नहीं शेयर किया है। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अल्ट्रा अफोर्डेबल ब्रांड जो कि है एल्स गुडनेस। एंड आप लोगों को पता है कि एल्स गुडनेस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। एंड इन प्रोडक्ट्स में आपको मोस्टली आपको अंडर 100 रुपीज़ में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो मैंने इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करा है। सो मैं वीडियो में छोटू मोटू सा रिव्यू भी दे दूँगी कि ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। सो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट ना, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले मैंने लिया है एल्स गुडनेस का कुछ टोनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये 3 टोनर लिया है। तो मैं एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है एल्स गुडनेस का ये ग्रीन टी टोनर। इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीस। इसमें आती है 100 ml। तो आपको ये हमेशा purple.com पर डिस्काउंट में आपको अंडर 100 रुपीस में आपको मिल जाएंगे क्योंकि purple.com पर हमेशा डिस्काउंट चलती रहते हैं। तो एल्स गुडनेस में बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो ये जो ग्रीन टी टोनर है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो ये जो ग्रीन टी टोनर है इसका जो फर्स्टली जो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे काफ़ी इरिटेशन होती है जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगी ये वाली टोनर। प्रोडक्ट ही अगर अच्छी ना हो तो यूज़ करने का क्या फ़ायदा। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट जो मैंने फेस टोनर लिया है वो है एल्स गुडनेस का ये क्यूकुम्बर टोनर। एंड ये जो टोनर है इसका जो फ्रेग्रेंस है वो क्यूकुम्बर की तरह ही है, बट मुझे उतना अच्छा खास कुछ नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई भी टोनर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं जब इसे अप्लाई करती हूँ ना तो फेस पर एक चिपचिपा सा अपन फील होती है, मतलब आपकी फेस फ्रेश नहीं फील होती है बट थोड़ी सी चिपचिपा, मतलब कुछ चिपचिपा टाइप कुछ लगती है, मुझे नहीं पता क्यों होती है। बट ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट जो टोनर मैंने लिया है वो है एल्स गुडनेस का ये रोज टोनर। एंड इसका जो कलर है वो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर है। मैंने इससे पहले कोई भी ऐसी रोज़ वाटर नहीं देखा है जो कि इतना ज़्यादा पिंक कलर हो। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई रोज़ वाटर इतना ज़्यादा पिंक वाला, आप देख सकते हो। एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इस रोज़ वाटर में, मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी होगी बट ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काफ़ी इरिटेटिंग लगती है मुझे इसकी फ्रेग्रेंस और सब कुछ मिला के। तो ये तीनों में से मुझे कुछ खास कुछ नहीं लगा टोनर। सो नेक्स्ट मैंने ली है एल्स गुडनेस की कुछ फेस स्क्रब। तो मैंने ये 3 फेस स्क्रब लिया है। सो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट जो फेस स्क्रब मैंने ऑर्डर किया है वो है एल्स गुडनेस की ये नीम प्यूरिफाइंग फेस स्क्रब। एंड इसकी जो प्राइस है वो है ओनली 99 रुपीज। एंड इसमें आपको प्रोडक्ट मिलते हैं 30 ग्राम की। एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो आप देख सकते हो बहुत ही नॉर्मल पैकेजिंग है। एंड इसको ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर प्रोडक्ट मिलती है। एंड इस प्रोडक्ट की जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर की है। एंड ये जो स्क्रब है ये काफ़ी माइल्ड है, फेस पर बिल्कुल भी हार्श फील आपको नहीं होगी। इसकी जो बीट्स है काफ़ी फाइन है, बहुत ही अच्छी लगती है इस स्क्रब के साथ फेस को स्क्रब करना। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करके देख सकते हो। स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्क्रब है। एंड इसमें नीम की एक्स्ट्रैक्ट है जो कि काफ़ी अच्छी है फेस के लिए। जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी माइल्ड है, बिल्कुल भी इरिटेशन आपको फील नहीं कराएगी ये वाली स्क्रब। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है मेरी तरह तो आपको ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है क्योंकि ये बहुत ही लाइट एंड बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस की है। ओके, सो नेक्स्ट जो फेस स्क्रब मैंने लिया है वो है एल्स गुडनेस की ये रोज हाइड्रेटिंग फेस स्क्रब। एंड इसकी जो प्राइस है वो है अगेन 99 रुपीज़। एंड इसमें आपको प्रोडक्ट मिलती है 20 ग्राम की। मुझे नहीं पता इस वाले में 30 ग्राम है एंड इस वाले में 29 ग्राम है। तो
पता नहीं। एंड इसके जो पैकेजिंग वो सेम ही है, एंड इसको ओपन करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलती है यहाँ पर। एंड इसके जो फ्रेग्रेंस है सेम बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं फील कराएगी आपको ये वाली स्क्रब। ये वाली जो फेस स्क्रब है इसके जो बीट्स है वो थोड़ी सी हार्श है फेस पर, इसकी जो बीट्स है वो बहुत ही ज्यादा फाइन नहीं है, थोड़ी सी बड़े बड़े टाइप की है इसके जो बीट्स है। एंड जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन नहीं होती है। मैं इसे लेती हूँ एंड फेस पर अप्लाई करती हूँ, हल्के हल्के हाथों से मैं अप्लाई करती हूँ एंड मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको अप्लाई करने के बाद फेस काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होती है, काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग फील होती है, मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस वाले में। एंड नेक्स्ट जो फेस स्क्रब मैंने लिया है वो है एल्फ गुडनेस की गोल्ड सन डैमेज कंट्रोल फेस स्क्रब। एंड इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज, थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी प्राइस, बट डोंट वरी, आपको हमेशा ये ऑफर में आपको 100 रुपीज में आपको मिल जाएंगे। एंड जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ से तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी बिल्कुल, ये गोल्ड कलर की ये स्क्रब है। एंड मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ करा है एक बार, एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वह मुझे शैम्पू टाइप लगती है, जो होती है ना हेड एंड शोल्डर की, जो शैम्पू की जो स्मेल जो फ्रेग्रेंस होती है उस सेम यही फ्रेग्रेंस है, या सेम यही फ्रेग्रेंस है। एंड इसके जो बीट्स है वो बहुत ही कम है, बट इसके जो बीट्स है वो बहुत ही हार्श है फेस पर, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इस फेस स्क्रब को मैंने अपनी फेस पर अप्लाई किया था तो पता नहीं मेरी फेस पर बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। मैंने सोचा था कि ये जो स्क्रब होगी मेरी फेस पर काफ़ी अच्छे से सूट करेगी, बट मेरे फेस पर बिल्कुल भी ये सूट नहीं करा है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इस फेस स्क्रब को बिल्कुल यूज़ ना करें। मेरी फेस ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन भी है, सारे प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पर अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट होती है जो मेरी फेस पर सूट करती है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इस स्क्रब को आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है एल्फ गुडनेस की एलोवेरा जेल। एंड तो सबसे पहले मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा था कि ये काफ़ी अच्छी होगी, एल्फ गुडनेस की एलोवेरा जेल है तो काफ़ी अच्छी होगी, तो इसी बात सोचकर मैंने इस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे आपको पता चलेगी। एंड सबसे पहले मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ, इसकी जो प्राइस है वो है 99 रुपीज। एंड ये है एल्फ गुडनेस की एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल, एंड इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह की पैकेजिंग मिलेगी, इसको ओपन करने के बाद आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगी। ये क्लियर जेल फॉर्म में है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई भी कलर ऐड किया हुआ नहीं है, आप देख सकते हो। एंड मुझे प्रॉब्लम है इसकी फ्रेग्रेंस से, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत 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 ही ज़्यादा इरिटेटिंग वाली फ्रेग्रेंस है, एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको फ्रेग्रेंस से आपको पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फ्रेग्रेंस की प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है तो आप इस वाले प्रोडक्ट को मत परचेस कीजिए। तो इससे तो बेहतर है कि आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर लो, वो काफ़ी अच्छी है, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें। सो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है एल्फ गुडनेस की ये वेट क्रम नाइट नरिशिंग नाइट क्रीम। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसकी प्राइस, इसकी जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़। एंड इसकी जो टेक्स्चर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी जो क्रीम की जो टेक्स्चर है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और काफ़ी जल्दी ये एब्जॉर्ब भी हो जाती है फेस पर, आप देख सकते हो। बट आप देख सकते हो ये जो क्रीम है ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, आप देख सकते हो। अभी चल रही है समर सीजन एंड मेरी स्किन है ऑयली टू कॉम्बिनेशन, तो जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना तो मेरी फेस बहुत ही ज़्यादा स्वेट करती है एंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जो क्रीम है बिल्कुल भी नॉन ऑयली नहीं है, नॉन ग्रीसी नहीं है, ऑयल फ्री बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ जब बारिश का मौसम होती है, जो थोड़ी सी ठंडी ठंडी मौसम होती है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम है, नाइट क्रीम है, ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो एसेंशियल ऑयल है। मैंने ये दो एसेंशियल ऑयल मैंने ऑर्डर किया है,
फर्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है एस्कुनेस की ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये काफी अच्छी है, सेम गुड वाइब्स की तरह ही है। अगर आप अफोर्डेबल में कोई टी ट्री ऑयल लेना चाहते हो तो आप ये वाली एल्स गुडनेस वाली ट्राई करके देख सकते हो। स्पेशली अगर आपके पिंपल्स है, ऑयली स्किन है, तो आप इसे यूज करके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है एल्स गुडनेस की ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, बट ये भी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। एसेंशियल ऑयल में आपको बहुत सारे वेराइटीज आपको मिल जाएंगे एल्स गुडनेस के, तो एसेंशियल ऑयल मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है एक फेस सीरम। ये है एल्स गुडनेस की विटामिन सी फेस सीरम। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये वाली प्रोडक्ट। विटामिन सी हमारे फेस के लिए काफी अच्छी होती है, आप लोगों को पता ही होगी। ये जो प्रोडक्ट है ये काफी छोटू मोटू सा एक बॉटल है, आप देख सकते हो। इसमें आपको प्रोडक्ट मिलती है 5 ml। इसकी एक ही प्रॉब्लम है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, इसमें कोई भी ड्रॉपर नहीं है। एटलीस्ट जब आप फेस सीरम दे रहे हो तो एटलीस्ट एक ड्रॉपर जरूर होनी चाहिए, बट इसमें कोई भी ड्रॉपर नहीं है। बट ये जो सीरम है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है। फेस पर जब आप इसे अप्लाई करोगे तो काफ़ी सॉफ्ट लगेगी, बहुत ही स्मूथ टाइप है। जो गुड वाइब्स की जो रोज हिप ऑयल है ना उसी सेम टाइप की है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। ओवरऑल ये वाली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक शावर जेल। एंड ये है एल्स गुडनेस की आर्गन ऑयल स्किन नरिशिंग शावर जेल। जो शावर जेल है ये यूज करने के बाद बॉडी बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है, काफी अच्छी फील होती है। नेक्स्ट मैंने लिया है फेस पैक बनाने के लिए कुछ पाउडर, क्योंकि समर सीजन चल रही है तो मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एल्स गुडनेस की ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर, आप देख सकते हो ये है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये जो मुल्तानी मिट्टी ये काफी अच्छी है एंड प्राइस भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये एल्स गुडनेस की ये हल्दी पाउडर, आप देख सकते हो। एंड आप लोग जरूर इसे ट्राई करके देख सकते हो, काफी अफोर्डेबल है एंड एल्स गुडनेस ब्रांड भी काफी अच्छी है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है एल्स गुडनेस की सैंडलवुड पाउडर। तो मैंने इस जार में मैंने स्टोर करके रखा है, क्योंकि इसकी जो पैकेट है वो मैंने फेंक दिया है एंड मुझे नहीं मिल रही है। तो ये जो सैंडलवुड पाउडर है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ओके टाइप की सैंडलवुड पाउडर है। इससे पहले मैंने अमेजोन से एक सैंडलवुड पाउडर मैंने लिया है जो कि काफी अच्छी थी एंड मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं है, मैं यहाँ पर दे दूंगी तो आपको देखकर पता चलेगी। वो वाली जो सैंडलवुड पाउडर है वो बहुत ही अच्छी है। सो ओवरऑल ये जो सैंडलवुड पाउडर है मुझे खास कुछ नहीं लगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एल्स गुडनेस की जिंजर एंड एग मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। एंड इसमें आपको प्रोडक्ट मिलती है 50 ml की एंड इसमें बड़ी साइज भी अवेलेबल है। मैंने इसे छोटे साइज में मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि अगर मुझे ये शैम्पू अच्छी लगी तो मैं इसका बड़ी साइज मैं ऑर्डर करूंगी। एंड इसकी जो प्राइस है वो है ओनली 60 rupees। एंड मैंने इस शैम्पू को यूज करा है बट मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इसे अप्लाई करने के बाद जो हेयर है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई फील होती है, मैं तो शैम्पू मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी। एंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को एक बड़ी सी एक लाइक कर दीजिए, यहाँ पर एक बड़ी सी एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप नहीं चाहोगे कि इस तरह की वीडियोज आप कभी भी मिस करो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो आप जल्दी से कर दीजिए। एंड साइड में एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल होगी उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी मैं वीडियोज इस तरह की अपलोड करती रहूँ तो आपको सबसे पहले मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको। एंड मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप शेयर कीजिए। एंड मुझे नीचे जरूर कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड एंड कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, मैं जरूर आपकी आंसर दूंगी। सो आज के लिए इतना सा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय।